इधर डोनेस्क में यूक्रेन के रूसी सेना पर हमले हुए। ब्रैडली सैन्य वाहन से किए गए हमले, प्रोकोवस्की मोर्चे पर यूक्रेन को बढ़त मिली है इन हमलों के बीच। तो देखिए, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि जोरदार हमले किए गए हैं और यूक्रेन को कहा जा रहा है कि इस जगह पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है रूसी सेना से। और अब बात उस धोखे की, उस छल की जो ज़ेलेंस्की, उनके देश और उनकी सेना के साथ हो रहा है। आज से नहीं बल्कि साल भर से यूक्रेन के साथ ये धोखा कोई और नहीं बल्कि वही देश कर रहे हैं जो खुद को यूक्रेन का साथी और मददगार बता रहे हैं, यानी नाटो देश। नाटो, सवाल यही है कि आखिर कैसे। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। यूक्रेन युद्ध से जुड़ी आज दो बड़ी खबरें आई, वो खबरें जिसे सुनकर पूरी दुनिया दंग है। पहली खबर है कि फ्रांस ने यूक्रेन में अपनी सेना भेजने का ऐलान किया है। दूसरी खबर ये कि समय पर F-16 फाइटर जेट नहीं मिलने पर ज़ेलेंस्की नाटो से नाखुश हो गए। ये दोनों खबरें चौंकाने वाली क्यों हैं? सबसे पहले ये समझना जरूरी है, फ्रांस सरकार ने कहा है कि वो अपनी सेना में एक यूक्रेन के नाम से ब्रिगेड बनाएगा। इसमें फ्रांस के सैनिक और सैन्य अफसर होंगे। इस ब्रिगेड को यूक्रेन में रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने भेजा जाएगा। मतलब ये कि एक नाटो देश यूक्रेन में अपनी सेना भेजने जा रहा है। दूसरी खबर ज़ेलेंस्की का एक बयान है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि पश्चिमी देशों ने गर्मी में यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देने का वादा किया था, लेकिन ये विमान यूक्रेन को अब तक नहीं मिले। और इस तरह ज़ेलेंस्की उन नाटो देशों पर भड़क गए जिन्होंने समय पर यूक्रेन को F-16 नहीं दिए। अमेरिका, बेल्जियम, डेनमार्क, नॉर्वे और नीदरलैंड, ये वो पांच देश हैं जिन्होंने यूक्रेन को 60 F-16 लड़ाकू विमान देने का वादा किया था। अगर ये विमान यूक्रेन को मिल जाए तो जंग में उसकी वापसी हो सकती है, लेकिन ये विमान है कि डिलीवर होने का नाम ही नहीं ले रहे। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि असल में नाटो देश न सिर्फ लेट लतीफी कर रहे हैं बल्कि यूक्रेन के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या फिर फ्रांस, कोई भी नाटो देश यूक्रेन को जरूरी हथियार समय पर नहीं दे रहा है। नाटो का यही वो छल है जिसकी वजह से यूक्रेन रूसी बारूद से बर्बाद होता जा रहा है। जिस फ्रांस ने यूक्रेनी ब्रिगेड बनाने की घोषणा की है, उसी ने 6 महीने पहले ही घोषणा की थी कि वो यूक्रेन में अपनी सेना भेजेगा, लेकिन बाद में उसने अपने कदम वापस खींच ली। फ्रांस की सेना अब तक यूक्रेन नहीं पहुंची, ऐसे में इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि फ्रांस का नया वादा भी वादा ही रह जाए। ब्रिटेन में सत्ता बदली, सुनक की जगह कीर स्टार्मर ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री बने। 10 जुलाई को वॉशिंगटन में नाटो समिट के दौरान स्टार्मर और ज़ेलेंस्की के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान स्टार्मर ने ज़ेलेंस्की से कहा कि यूक्रेनी फोर्स ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस के अंदर कहीं भी हमले कर सकता है, उसे पूरी तरह से छूट है। स्टार्मर ने यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमले की छूट दी। कैमरे के सामने आकर कहा कि ब्रिटेन में सत्ता भले ही बदल दी गई है, लेकिन यूक्रेन के लिए नीति नहीं बदलेगी। पर ऐसा हुआ नहीं। बाद में स्टार्मर अपने बयान से मुकर गए और इस तरह एक बार फिर से यूक्रेन के साथ छल हो गए।
इसी तरह अमेरिका ने भी यूक्रेन को समय पर हथियार नहीं दिए, चाहे वह अब्राम्स हो, पैट्रियट हो या फिर ATMS मिसाइल। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार तो दिए लेकिन समय पर नहीं, खासकर तब जब इसकी जरूरत थी। इसी बात से जेलेंस्की और उनकी सेना आहत है। ब्रिटिश संसद में जेलेंस्की का भाषण होने जा रहा है, इस मौके पर वो हथियारों की डिलीवरी में देरी का मसला उठा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष।